चलते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। डेहरी पड़ाव मैदान में स्पोर्ट क्लब के द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन विगत कई दिनों से चल रहा था, जिसमें कई गांव के टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबले में दावत बनाम मिर्जापुर के साथ फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें दावत के टीम ने 2 गोल से मिर्जापुर के टीम से अपना बढ़त बना लिया था। दोनों खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ मुकाबले के बीच खेल का प्रदर्शन करते हुए कई बार गोल मारने से चूक गए, लेकिन मिर्जापुर के खिलाड़ी आनंद ने 1 गोल कर मैच में बराबरी का मौका बरकरार रखा। खेल समाप्त होने तक मिर्जापुर के खिलाड़ियों ने गोल नहीं कर पाए, जिससे दावत की टीम ने 1 गोल से अपना कब्जा जमा लिया। फाइनल मैच था, इस पे आप क्या कहेंगे? हम दोनों खिलाड़ी अपने आप में हार जीत तो खेल में होते रहता है, जो भी खेल हुआ हर साल ऐसा खेल हो हम हर साल सहयोग करेंगे। खिलाड़ी लोग बहुत अच्छे खेले हैं और खेल में ही है दम, जो हारता है जीतता है खेल, ये तो अच्छा चीज है। हम बच्चे लोग को अपने तरफ से आशीर्वाद देते हैं कि हर साल ऐसा मैच खेले, हमें उनको साथ हमेशा देंगे और कभी भी हमारा साथ उनके साथ रहेगा। और मैच बहुत अच्छा रहा, हार जीत तो जो मैदान में उतरता है वही हारता है वही जीतता है, इससे बच्चे लोग को डरना नहीं है। और इतनी बात करके अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आशा वाले फुटबॉल क्लब दावत के खिलाड़ियों से अपना मुख्य अतिथि आज के बाद मुख्य अतिथि आदित्य वर्ल्ड कप के एमडी रामनाथ यादव की तरफ से ये प्राइज दिया जाएगा। आनंद कुमार कैप्टन, कुमार गोलकीपर, सौरभ कुमार कल्लू, शंकर कुमार अंकित कुमार, आरिफ खान।